नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। जो क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर, जो क्लिनिकल गाइडेंस के ऊपर, की नोट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, एक एक दवाई का हम उसका सीरीज बना रहे हैं। अभी आज बात करेंगे एगरिकस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एगरिकस मशरूम, एक तरह का मशरूम है, उसको पोलराइज करके बनाया जाता है एगरिकस। उसका 30-200 1 ml तीनों पोटेंसी यूज़ होता है। कौन कौन सी बीमारी में वो बहुत बढ़िया काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने नोट किया है, जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो क्लिनिकली ज़्यादा बहुत ज़्यादा आता है केसेस, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, एक एक पॉइंट बताऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ है एगरिकस क्लिनिकली, वो एक्सट्रीम फियर ऑफ कैंसर। कैंसर जो भय होता है ना, कि अगर किसी को आपके फैमिली में किसी को हुआ है, या आपने किसी को सुन लिया है हाँ ये कैंसर से उसकी मौत हुई है, तो उसको हमेशा भय रहता है। ऐसा बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा, हमेशा बोलते रहते कुछ भी हो, अरे मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो ये भय उनके मन में हमेशा पनपता रहता है। तो इस चीज़ का जो प्रॉब्लम होता है, हमेशा याद रखना, बेस्ट दवाई है एगरिकस। 1 ml का 2 dose आप लेना है उसको, सुबह शाम करके 3-4 बूंद सुबह, 3-4 बूंद शाम को, 2 dose आपको लेना है, और वेट करना है 10 दिन। फिर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद और एक बार आप रिपीट कर सकते हैं 1 ml का 2 dose। देखेंगे 3-4 dose में ही ये जो सिम्टम है बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है, उसका जो भय है कैंसर से वो निकल जाएगा। ये पहला है। नेक्स्ट उसी कैटेगरी का और एक आता है कि एंजाइटी अबाउट हेल्थ, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी रहती है, कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, ठीक ही नहीं होता, मैं बीमार रहता हूँ, तो स्वास्थ्य के ऊपर उसका जो उसके मन में चिंता रहती है हमेशा। ये फॉस्फोरस में भी है, लेकिन एगरिकस में भी पाया जाता है। ठीक उसी तरह आप 1 ml का 2 या 3 dose आप दे सकते हैं, मतलब दिन में 2 बार, एक दिन दे दिया, फिर अगले दिन सुबह 1 बार, या फिर सुबह शाम करके 2 दिन आप दे सकते हैं। ये मेंटल पिक्चर जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है, वहाँ पर 1 ml का आप इस्तेमाल करना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ज़्यादा दिन रिपीट नहीं करना, 1 या 2 दिन बस, दैट्स इट। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट होता है वो फिजिकल सिम्टम्स में आता है, ट्विचिंग और स्पाजम ऑफ ऑलमोस्ट एनी मसल ग्रुप, मतलब शरीर का कोई भी मसल हो, सिंगल मसल हो या फिर एक ग्रुप ऑफ मसल्स जहाँ पर अटैच हुआ है, हाथ पैर चेहरे पे कहीं भी जहाँ पर भी मसल होता है, वो जर्क करने लगता है, ट्विचिंग करने लगता है, फड़कने लगता है। जैसे आँख फड़कती है तो इधर जर्क होता है ना, तो उसी तरह शरीर का कोई भी मसल में अगर ऑटोमेटिकली जर्किंग हो, आपने ऐसा फील किया होगा कि शरीर में कोई भी हिस्सा, पैरों का, हाथ का, जब आप लिमिट से ज़्यादा एक्सेस कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा फैटिग हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जर्किंग होने लगता है उसमें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एगरिकस आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं 30 या 200 में, हर 10-10, 15-15 मिनट में उसको 4-5 बूंद लेना, देखेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। ये ट्विचिंग और जर्किंग ऑफ मसल्स कॉस्टिकम में भी आपको मिलेगा, लेकिन एगरिकस में हायर थोड़ा इंटेंसिटी में है, और बहुत जल्दी उसका एक्शन आता है। कॉस्टिकम में थोड़ा देर से एक्शन आता है। अगर आपको क्रॉनिक टेंडेंसी है तो एगरिकस के बाद आप कॉस्टिकम भी ले सकते हैं। ये फिजिकल सिम्टम है जो कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकली यूज होता है एगरिकस का। नेक्स्ट और एक चीज़ बता देता हूँ, न्यूरोलॉजिकली कोई भी जो बीमारी है, जैसे कि कन्वल्सन्स, न्यूरलजिया, साइटिका, बेल्स पाल्सी, कॉस्टिकम बहुत बढ़िया दवाई है, चेहरे का एक हिस्सा लटक जाता है, तो ये जितने भी तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइटिका, कोरिया, बहुत सारे उसके जो बीमारियाँ क्लिनिकली आते हैं, कुछ डिजीज़ उनके बारे में जो कि क्लिनिकली यूज्ड हुआ है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि कोरिया, जर्किंग होता है, CHORE कोरिया, जो मसल्स या जर्किंग होता है, ट्विचिंग होता है, जिसके बारे में मैंने बात किया। कन्वल्सन्स, स्पाजम्स उसी कैटेगरी का था, स्पाजम्स, और न्यूरलजिया, किसी भी जगह पर नर्व सिस्टम में आपका दर्द होना, न्यूरलजिया, साइटिका, ठीक है, और फासियल टिक्स, बेल्स पाल्सी, ये जितना भी प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट जो इसका आता है वो है स्पाजम्स एंड ट्विचिंग ऑफ आईलिड्स, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी
कि आपके आँखों का फड़कना कंटिन्यूसली फड़कने लगता है, मतलब जिनका रेगुलरली वे में आँखों का फड़कता है, वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। कहीं पर भी आप बैठे हो वो धड़ धड़ ऐसे फड़कने लगता है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। ट्विचिंग ऑफ फेस आईलिड्स बिफोर ए स्टॉर्म, हे फीवर, बुखार के लिए भी बहुत बड़े यूज़ होता है हे फीवर। ये तो खास करके हमारे भारत में नहीं होता, ये बाहर के देशों में हे फीवर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक जो क्लिनिकली इसका यूज़ होता है वो है बैक पेन। जी हाँ दोस्तों, बैक पेन कमर दर्द जो कि बैठने पर बहुत ज़्यादा उसका बढ़ जाता है, कमर दर्द, लेटने पर कमर दर्द में आराम मिलता है। ये पर्टिकुलर मॉडलिटी अब याद रख लेना, सक्सेसफुली यूज्ड हुआ है, कैसे यूज हुआ है, कौन सी पोटेंसी में। पेशेंट्स जब बोलता है कि मुझे बैठने पर प्रॉब्लम बढ़ता है और लेटने पर आराम मिलता है, ये आपको अर्जेंडम नाइट्रिकम, अर्जेंडम मेटेलिकम, ये इसमें भी मिलेगा, एगेरिकस सक्सेसफुल रेट ज़्यादा है। पहले आप 30 पोटेंसी का हर दो दो तीन तीन घंटे में उसको दो तीन दिन दे देना, चार पांच बूंद डायरेक्टली जीभ पे। फिर उसके बाद 200 एगेरिकस 200 का दिन में दो बार या दिन में तीन बार करके दो तीन दिन दीजिए, वही तीन चार बूंद डायरेक्टली जीभ पे, देखेंगे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है। और बैक पेन में थोड़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा, अगर दिन में तीन बार चार बार करके आप दिया काम नहीं किया तो दो दो तीन तीन घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं देना, दो या तीन दिन देकर आप उसको बंद कर सकते हैं। तो ये बैक पेन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एगेरिकस एक बहुत ही क्रॉनिक दवा है, मतलब डीप एक्टिंग दवा है और बहुत फास्ट भी एक्शन करता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जो भी डिजीज़ मैंने कहा है अभी क्लिनिकली वेरीफाइड है, क्लिनिक में सक्सेसफुली यूज हुआ है, उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो सिक्वेंसली जो भी मेडिसिन के बारे में हम देखेंगे, आप इसको नोट करके रखना और डेफिनेटली यूज़ करना, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए सिक्वेंस को और हम आगे बढ़ेंगे एक एक दवाई के साथ। नमस्कार।